हाय फ्रेंड्स, आज हम बनाने जा रहे हैं नान। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, साथ ही में बेल आइकन को दबाना मत भूलिएगा। इससे आने वाली मेरी हर रेसिपी आप तक पहुंचेगी। यहाँ पर मैंने लिया है 1 किलो मैदा, 1 अंडा ऐड कर रही हूँ। अगर आप अंडा नहीं खाते तो इसको स्किप कर सकते हैं। और 1/2 ग्लास यहाँ पर मैं दूध डाल रही हूँ, 1/2 ग्लास दही, 1 खाने की चम्मच नमक लिया है मैंने, 2 टीस्पून बेकिंग पाउडर, 1 चम्मच जितना खमीर लिया है मैंने। और इन सारी चीज़ों को अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है। नमक, खमीर, अंडा, ये सारी चीज़ें मैदे में अच्छी तरह से मिक्स हो जानी चाहिए। और इसके बाद इसको गूंदना शुरू करेंगे पानी के साथ। 1 किलो मैदे के अंदर मैंने यहाँ पर करीब 2 ग्लास पानी के यूज़ किए थे आटा गूंदने के लिए। यहाँ पर मैं आटे को फॉइल से कवर कर रही हूँ। फॉइल की जगह पर आप गीला कपड़ा भी ले सकते हैं। और इसको 2 घंटे के लिए एक तरफ रख लेना है। और यहाँ पर आप देख सकते हैं 2 घंटे हो चुके हैं, आटा जो है काफ़ी फूल चुका है। 1 किलो मैदे के अंदर से 10 नान बना सकते हैं आप। नान को ज़्यादा पतला नहीं बेलना है, बस नॉर्मल साइज़ का रखना है। और इसके बाद यहाँ पर कांटे की मदद से यहाँ पर मैं निशान लगा रही हूँ। सबसे पहले यहाँ पर नान को मैंने तवे पर रखा है ताकि जो नान का नीचे का साइड है वो भी अच्छी तरह से पक जाए। यहाँ पर बबल्स आना शुरू हो गए हैं, आप देख सकते हैं। और इसके बाद इसको मैंने ओवन में डाला है। 200 डिग्री पर 6 से 7 मिनट में एक नान रेडी होकर निकल जाता है। और यहाँ पर नान बिल्कुल रेडी है, आप देख सकते हैं कैसे अच्छी तरह से फूल रहा है नान। और यहाँ पर आखिर में मैं इसके ऊपर बटर लगा रही हूँ। तो यहाँ पर बिल्कुल रेडी है हमारा नान। नान की रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा। मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। साथ ही में कमेंट में ज़रूर लिखिएगा कि आपको ये रेसिपी कैसी लगी।